झूला का क्या नाम होता है? अच्छा ब्रेक डांस होता है। तो ब्रेक डांस में कैसे मतलब होता है आपका झूलने का ये प्रक्रिया? ब्रेक डांस में स्लो या फास्ट किस तरह? स्लो होता है ना। और अभी ये आप लोग फिट कर रहे हैं ना मेला के लिए? 9-10 दिन लगातार आप लोग मेला में रखिएगा, चलेगा एकदम घमासान। तो ब्रेक डांस हो गया, क्या प्राइस होगा आपका यहाँ झूले का? क्या प्राइस होगा? 30-50 रुपए जैसा माहौल होगा ना उस तरह का टिकट होगा। मतलब 30 ही रखिए क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा होगा कस्टमर, क्योंकि सबका मौका दीजिए आप। 30 रखिएगा तो सबको मौका मिलेगा। 50 में यहाँ पे कोई पास होगा कि नहीं होगा? लेकिन देखिए यहाँ पे 50 का भी टोकन लगाया गया है। कोई बात नहीं, आपका डिपेंड करता है आपके झूले पे, आपका जो भी हो बिजनेस व्यापार हो। थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे हाँ बच्चा वाला होता है तो कम होता है, और ये बड़े हैं तो थोड़ा सा 50 रुपया। चलिए तो इसी तरह का ब्रेक डांस का नज़ारा दिखा रहे हैं दोस्तों। झूले का यहाँ पे झूले का अभी रंगारंग त्यौहार चल रहा है, देखिए कैसे देखिए। और झूले का भी देखिए कैसे यहाँ पे बन रहा है जोर शोर से नज़ारा। ये है भकुआ ब्रह्म स्थान, और आप देख रहे हैं मेरे साथ अभी इस ब्लॉग का नज़ारा, इस ब्रेक डांस का नज़ारा दोस्तों। इसी तरह का हो रहा है ब्रेक डांसों का नज़ारा। काफी दोस्तों अच्छा है यहाँ पे जो कि आप देख रहे हैं। नेपाल के स्थानों में हम आपको स्वागत कर रहे हैं। तो कितना दिन तक आप लोग का ये झूला वगैरह चलेगा पूरा मेला तक? कितना हो गया, 10 रोज? 9-10 दिन मतलब रहेगा। तो आप बताइए छठ पूजा में कैसे बताना चाहेंगे, शुभकामना देना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी बताइए कि आप क्या ऐसा छठ मना रहे हैं और छोटे लोगों को क्या शुभकामनाएं देंगे? सुरेंद्र यही देंगे कि यहाँ जितना पब्लिक आएगा उन लोगों को हम स्वागत करेंगे, झूला पे झुलाएंगे आपको फ्री में, नहीं पैसे से, नहीं पैसे से। यस, और ये कौन सा जगह है बताइए? जगह है भकुआ बाबा को, यहाँ स्थान है नाम दिया गया, और नेपाल भी है यहाँ पे बगल में, बता सकते हैं आप? ये वहाँ नेपाल है, जो नेपाल का भी लोग यहाँ पे आते हैं, और मतलब ये बॉर्डर इलाका हो गया रक्सौल इंडिया का। तो ये है इंडिया और नेपाल बॉर्डर एरिया। अभी तैयारी चल ही रहा है, ये है ब्रेक डांस। ये भकुआ ब्रह्म बाबा स्थान में हम आपको स्वागत करते हैं। ये रक्सौल है अंतर्राष्ट्रीय सर, और आप देख रहे हैं इस तरह का सामान भी पड़ा हुआ, देखिए। देखिए काफी झूला वगैरह यहाँ पे है, अभी लगना स्टार्ट हो गया है दोस्तों झूला का यहाँ पे। देखिए नट बोल्ट भी रखे हैं लोग यहाँ पे, कैसे बना रहे हैं लोग ये देखिए। ऐसे कसने का इंतजाम चल रहा है। ये हुआ जनरेटर, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए
पूजा होने के बाद एक घमासान मतलब भारी मेला भी होता है। मेला कैसे होता है और क्या कौन कौन सा यहाँ पे झूले लगे हुए हैं हम आपको चलिए बताते हैं, दिखाते हैं कैसे मेला का यहाँ पे नज़ारा बनेगा। अभी मेला का तैयारी भी चल रहा है, देखिए छठ पूजा के त्यौहार पे मेला भी देखिए लगा हुआ है, अभी लग रहा है झूला वाला, देखिए बना रहे हैं भाई साहब लोग, लगा रहे हैं, फिट कर रहे हैं। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं इलाका, ये नेपाल का इलाका है, आगे जाइएगा तो नेपाल होगा। नेपाल का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए पोल भी है नेपाल का, लाइट देख रहे हैं। और दोस्तों नेपाल जाने के लिए यहाँ पे कोई दस्तावेज की ज़रूरी नहीं होता, अब सीधे आप हेल कर नेपाल जा सकते हैं। इस तरह माना जाता है, कहा जाता है, लेकिन प्रशासन यहाँ पे होता है। दोस्तों आप देख रहे हैं नेपाल का नज़ारा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा इंडिया और नेपाल का जगह, आप सामने देख रहे हैं नेपाल और ये हुआ इंडिया।